शेर को मिल गया है सवा शेर, सीरियल साथिया में। जी हाँ, ये खबर 16 आने सच है, क्योंकि गोपी बहू की नई नवेली बहू ने घर में आते ही गोपी बहू की सास कोकिला की नाक में दम कर दिया है। कोकिला मोदी को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे डाली है समीरा ने। फिलहाल वजह है उसके कपड़े। ससुराल में गोपी की बहू की ये पहली आरती थी, लेकिन उससे पहले ही हो गया एक बड़ा धमाका। एकदम चुप, ये मेरे घर का मामला है और तुम्हें पीछे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जाओ और ये बेहुदा कपड़े बदल कर आओ। व्हाटएवर दादी जी, मैं चेंज नहीं करने वाली और ना ही यहाँ से जाऊंगी। पूजा करने के लिए कपड़ों की लेंथ नहीं, इंसान की श्रद्धा की डेप्थ देखी जाती है। जो मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोकिला समेत तमाम घरवालों ने समीरा के पहनावे पर एतराज जताया, लेकिन समीरा टस से मस ना हुई। कोकिला के नहले पे वो अपनी जुबानी दहला लगाती रही, उनसे जुबान लड़ाती रही, और उसके बाद बड़े तेवर में सीता से आरती की थाली अपने हाथों में लेकर समीरा ने आरती की शुरुआत की। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को चाहिए क्या, कोई ऐसा जो आप लोगों की इज्जत करे या ऐसा जो भगवान की सत्य। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संत, दास जनों के संत, शरणी दूर करे। लेकिन मामला फिर यही खत्म नहीं हुआ। कोकिला ने समीरा को दिखाया अपना असली रंग। रमाकांत की शराब उसके कपड़ों पर डालकर कोकिला ने आग लगा दी। ध्यान से सुन ले मेरी बात समीरा, मैंने तुझे जो कहा है उसे गांठ बांध ले। मेरे दिए हुए शगुन के कपड़े ही तुम्हें पहनने होंगे। जाहिर सी बात है कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है उंगली, और कोकिला मोदी ने तय कर लिया है कि वो अपने असली रूप में फिर से आएगी और किसी की भी मनमानी नहीं करने देगी। यूं तो समीरा की प्लानिंग से आप सब वाकिफ हैं, वो तो अपनी सास और सास की सास से बदले की तैयारी में लगी है। मैं फुल ऑन एक्शन में हूँ। उन्होंने मेरे कपड़े तो जला दिए हैं, बट कल देखना मुंह दिखाई पे मैं क्या करती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू गिव हर बैक इक्वली, एंड मैं पीछे तो नहीं हटने वाली हूँ, चाहे जो मर्जी करती रहे कोकिला दादी। अब ये ड्रामा दर्शकों को कितना भाता है उस पर ये निर्भर करेगा कि इसका सिलसिला कब तक चलने वाला है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।